आप देख रहे हैं वही फैमिली न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। यूपी में हुए चुनाव में 5 मई से 4 सीटों पर भाजपा के जीत होने के बाद नीमच सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी जश्न का माहौल है। नीमच में विजय टॉकन चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की जीत का जश्न आतिशबाजी के साथ मिठाई बांट कर मनाया गया। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भाजपा एग्जिट पोल के नतीजों की तरह ही 4 राज्यों में वापसी हुई है। भाजपा चुनाव नतीजों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तराखंड की 70 में से 45 सीटों पर भाजपा आगे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 में भाजपा 272 सीटों पर आगे रही है। देश के 5 राज्यों में अलग अलग चरणों में मतदान हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हुई थी और इसके साथ ही चुनाव का श्री गणेश हुआ था। 7वें दौर के साथ ही 7 मार्च को चुनाव पर विराम लग गया था। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पटेदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बनेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है और वर्तमान में हुए चुनाव में यूपी के अंदर 5 में से 4 सीटों पर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है, जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया है। सभी और जश्न का माहौल है। देखिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि जो सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप, देश की भावनाओं के अनुरूप और धर्म पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए और जो सुचिता की राजनीति करते हुए कहीं न कहीं काम करेगी, उसके साथ जनता और समाज खड़ा रहेगा, ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में सुशासन स्पष्ट रूप से नज़र आता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि अखिलेश और मायावती के राज में जहां 6 बजे बाद 5 बजे बाद बहु बेटियां तो दूर की बात है, एक आम नागरिक, आम पुरुष भी निकलने में सोचता था कि 5 बजे बाद निकलेंगे तो कोई घटना, कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसी उत्तर प्रदेश में वही व्यवस्था है, वही प्रशासन, वही पुलिस, पर जब नेतृत्व तो बदलता है तो 5 बजे क्या 9, 10, 11, 12 बजे भी जब बहनें बेटियाँ बाजार में घूमती है तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। अगर भय रहता है तो गुंडों के अंदर रहता है। समाज और जनता निर्भीक होकर अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहीं न कहीं जब सुशासन स्थापित होता है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है, जब विकास होता है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है, और जब देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलती है और जब सरकार काम करती है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध होता है और भारत की तरफ पूरी दुनिया निगाहें करती हुई, टकटकाते हुए देखती है कि भारत क्या बोलेगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार का स्वाभिमान जो भारत देश का पूरी दुनिया के अंदर उठा है, मान सम्मान जो बढ़ा है, उसको देश की जनता देख रही है, और यही सब कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो प्रदेश में है तो प्रदेश का गौरव और मान सम्मान बढ़ता है, देश में है तो देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ता है, और उन सभी बातों को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश और दुनिया के अंदर जो बढ़ता हुआ विश्वास है, जो नेतृत्व के ऊपर बढ़ता हुआ विश्वास है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम 4 राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के अंदर इसी प्रकार जश्न का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है, समाज और जनता के अंदर भी है, और उस जश्न को हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। इधर आपका अपडेट लगातार, हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।